नमस्कार आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। आज देश के हर छोटे बड़े शहर में महिलाएं अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए तरह तरह का काम कर रही हैं। ये विमेन एम्पावरमेंट का दौर है। आज हम महिलाओं को हर तरह का सपोर्ट देने की बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस विचार की एक अलग तस्वीर भी देखने को मिलती है। आज का एक केस विभा नाम की लड़की से जुड़ा है, जो एक तेजी से बदलते शहर मेरठ में अपना खुद का वजूद बनाना चाहती थी, लेकिन एक रात उसके साथ वो हुआ जिसने उसका वजूद ही हिलाकर रख दिया। रेप की विक्टिम क्या क्या सहती होगी, ये सिर्फ न्यूज में सुना था मैंने, लेकिन अब कभी तो कभी कोई और। क्या हमारे समाज में एक औरत का वजूद सिर्फ उसका जिस्म है? हम सोचते हैं हमें अपने दर्द भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, पर मैं अपना दर्द अपने अपनों से भी नहीं बांट पा रही थी। बस एक झूठी मुस्कान लेकर आगे बढ़ने की सोच रही थी। रेडी हो गई विभा? हाँ पापा, लेकिन पापा इस बार का संडे आपके साथ नहीं बिता पाऊंगी, वो प्रॉपर्टीज के क्लाइंट ना संडे को ही ज्यादा अवेलेबल होते हैं। विभा दीदी, हाँ राइड पे चलोगी मेरे साथ? इसी बार मैं आपको ऑफिस भी ड्रॉप कर दूंगा। मुझे ऑफिस छोड़ने की बजाय ना थोड़ा पढ़ ले, कल एग्जाम है तेरा, अगर अच्छे ग्रेड्स नहीं आए तो आयरलैंड की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। समझाओ पापा इसको। इसे आयरलैंड भेजने के लिए तूने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी, अब मना इसे। अच्छा कमाने लगी है, लेकिन बेटा कभी अपने बारे में भी सोच ले थोड़ा। जब देखो तब बस काम के पीछे पागल, न खाने पीने का होश है और ना ही टाइम से घर आने की फुर्सत। अब शंकर जी आप ही समझाइए इसे कुछ, जमाना कैसा है आपको पता है ना। पापा मम्मी की बातों को ज्यादा सीरियसली मत लो। और मम्मी जमाना खराब है इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जीना छोड़ दे। अरे रिस्क से ही तो फायदा कमाया जाता है विभा, और मुझे ना ये घाटे का सौदा बिल्कुल पसंद नहीं है। सर मेरे पिछले 15 डील्स की कमीशन बाकी है सर, कुल मिला के 7 से 7.5 लाख रुपए हो गया है सर। प्लीज मेरे भाई को मुझे आयरलैंड भेजना है सर, प्लीज मुझे पैसे चाहिए प्लीज सर उसके। डोंट वरी विभा, जब चाहिए तब ले लेना सर, लेकिन पहले मुझे ये बताओ वो दिल्ली वाली पड़ी का क्या हुआ, उसकी डील का क्या स्टेटस है? मुझे नहीं लगता उसे घर खरीदना है, वो बस एक महीने से मुझे इधर उधर घुमा रहा है, जो घर दिखाओ बस उसकी फोटो निकालता है, पसंद एक भी नहीं करता, एकदम टाइम पास पार्टी है सर। अरे टाइम पास नहीं, वो दिल्ली की बहुत मोटी पार्टी है, उसे घुमाओ फिराओ, फसा लो फसा लो। लड़कियों की इज्जत पे हाथ मारना खेल है ना तेरा? अब देख मैं तेरे साथ कैसा खेल खेलती हूँ। अब हम दोनों खेल खेलते हैं। अरे मजा आएगा, एक बार खेल के देखे। हाँ हाँ माँ मैं आ रही हूँ, अरे बस कॉलेज से निकली हूँ पहुँच जाऊंगी। जी जी हाँ 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 आ रही हूँ। चोर चोर पकड़ो, चोर चोर। हेलो पुलिस। ग्राउंड में भी देख लिया,
पड़ोसियों से पूछ लिया और कहां जाके आसिफ का कुछ पता चला? तो मैं मना करा था ना, मैंने आसिफ को बाहर मत जाने देना। बेटा इसमें बहू की क्या गलती है? कासिफ जब हमसे नहीं संभलता तो ये क्या संभाल सकती है उस? बेटा तुमने कासिफ को आखिरी बार कब देखा था? पापा मैं उसके लिए सूप बना रही थी, पता नहीं कब बाहर निकल गया, मुझे पता भी नहीं लगा। और वरना मैं ध्यान रखती ना उसका, आप जानते हैं ना। हाय, तुम्हारा भाई कासिफ मेरे पास है। रोशन कासिफ? सुबी क्या ये? वो क्या है ना, इसको देखकर ना मेरा खून उबलता है, इसलिए मैं इसका खून सुखाने में लगी। अगर तुमने कुछ भी किया ना उसको तो मैं नहीं तो क्या पुलिस के पास जाओगे तुम? हिम्मत है इतनी तुम्हारी? जाओ पुलिस के पास, मैं भी पुलिस को बता दूंगी कि तुम ना क्या चाहती हो। तुम्हें स्वीटहार्ट, तुम्हें चाहती हो, तुम मेरे पास आ जाओ, और जैसे ही आ जाओगे ना मैं तुम्हारे सर पे भाई को छोड़ दूंगी। चोरी करता है, चोरी करता है, बार बार जेल जाके अक्ल नहीं है तुझे? सर उस आदमी के पास ये 25 चोरी के मोबाइल फोन्स मिले, वो आदमी कोई और नहीं, नामी चोर फोन ही है। ये फोन ही तो अंदर था। सर, सर वो मोबाइल चोर बोल रहा है कि उसके चुराए हुए मोबाइल में से एक मोबाइल उसे एक लाश के पास मिला है। लाश? वो एक लड़की की लाश थी साहब, एक महीने पुरानी बात है। वो मेरठ हाईवे के पास जंगल है ना साहब, उस रात चोरी करके मैं वहाँ से भाग रहा था। मैंने सोचा था कि जंगल में छुप जाऊँ, लेकिन तभी अचानक से पैर में एक बैग फंस गया। वो लोके में जा ही रहा था तो अचानक से साहब कल को आपको पता चले कि वो मोबाइल उस लड़की का है जिसका मर्डर हुआ, तो आप सीधा मेरे पे मर्डर केस ठोक दोगे ना, इसलिए मैं सब कुछ सच बता रहा हूँ साहब। अच्छा तो मर्डर केस से बचना है तुझे। साहब मैंने नहीं किया मर्डर, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। लाश के पास तुझे कौन सा मोबाइल मिला था ये बोल। ये था साहब। पक्का ये था ना? हाँ सर यही था। तब सिम कार्ड था इसमें? बोले तब था साहब, मैंने निकाल के फेंक दिया वापस। याद है ना मैंने क्या समझाया? कासिफ, कासिफ बेटा, कासिफ बेटा, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? अरे वो झील के पास पहुंच गया था, वहीं खेलते खेलते गिर गया होगा। वो तो मेरे एक दोस्त ने देख लिया, फोन करके बता दिया मुझे। फालतू में डर रहे थे। शुक्र है अल्लाह का बेटा। अरे अंदर लेके जाइए ना, पट्टी उट्टी करो आरजू की। हाँ भाई, हाँ हाँ हाँ, मिल गया मिल गया। हाँ हाँ बोलो। कासिफ को छोड़ने की कीमत याद है ना तुम्हें? इधर साहब वो अंदर झाड़ी में ला देखे थे। सर ये मोबाइल चोर तो बोल रहा था कि इसने एक महीने पहले लाश के पास से मोबाइल चुराया था, लेकिन एक महीने तक ये लाश यहीं पड़ी रहे और किसी को देखे ना, भरोसा करना मुश्किल है। तो लाश की कंडीशन देख के लग रहा है कि मर्डर काफी पहले हुआ है, वो भी मल्टीपल फायर से। और अगर मल्टीपल फायर हुए हैं तो मनीष देखो ये तो बुलेट है सर। इसने बताया था कि मोबाइल से सिम कार्ड निकाल कर तोड़कर फेंक दिया था। सबको बोलो चेक करें कि यहाँ पे कोई टूटा हुआ सिम कार्ड मिलता है क्या। सर ये
लड़की का इलाज। साहब मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैंने तो बस लड़की की लाश देखी थी, ये लाश नहीं देखी साहब मैंने। सब मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं बोलेगा तू, लोग अब लेके जाओ इसको और को टस सारे को लेके जाओ। इन दोनों लाशों के बीच लगभग 100 मीटर का फासला, लड़की को शूट किया गया और लड़के को जलाया गया। लेकिन सर दोनों मर्डर्स की मोडस ऑपरेंडी अलग है। अगर ये दोनों मर्डर काफी पहले हुए हैं तो जाहिर सी बात है इन दोनों के घर वाले इनको ढूंढ रहे होंगे। मनीष आसपास के सभी थानों में पिछले एक महीने की मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो। सर फाइनली हमारे पेरेंट्स के शादी के 25 इयर्स कंप्लीट। 25 साल से ये जोड़ी हिट है। बेस्ट कपल एंड बेस्ट 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 मम्मी पापा। अपनी हंसी से सबको खुश रखते थे पर अचानक से एकदम सब कुछ बदल गया। एक महीना गुजर गया और विभा को हमेशा समझाती थी उसको कि बेटा संभल के रहा कर, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। मम्मी विभा दीदी आ जाएगी और पापा मेरे फ्रेंड के फादर की एमएलए से बोलचाल है, हम उनसे बात करते हैं ना, वो पुलिस पे प्रेशर डालेंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे। सर इस लड़के के बॉडी में सेडेटिव के ट्रेसेस मिले हैं, इस लड़के को बेहोश करके जिंदा जला दिया गया, जबकि इस लड़की के मर्डर से पहले इसके साथ गैंग रेप भी किया गया। लाश इतनी लेट रिकवर हुई कि रेपिस्ट कड़ी ने नहीं मिल सका, पर सर लड़की का प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से डैमेज्ड है। सर लेकिन ये दोनों हत्याएं एक साथ नहीं हुई है, इस लड़के की हत्या इस लड़की की मर्डर के तकरीबन एक हफ्ते बाद हुई है। मतलब जिस दिन इस लड़की का रेप और मर्डर करके उस एरिया में से फेंक दिया गया, उसके एक हफ्ते के बाद इस लड़के को बेहोश करके मारा गया उसी एरिया में। यस सर। पर इन दोनों के किलर एक होते हैं, लड़की का रेप और मर्डर करने के बाद वो क्राइम सीन पर एक हफ्ते के अंदर ही दोबारा आने का रिस्क क्यों लेते हैं? तो मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों केस अलग अलग हैं? इस लड़के का केस जितना अटपटा है उतना ही लड़की का केस सेंसिटिव है, लड़की को रेप करके मारा गया है, ऐसा कोई विकृत मानसिकता का आदमी कर सकता है? मुझे नहीं मिलना है गंगा सो। कासिफ कासिफ चलो बैठो बैठो, ये सूप आपको सिर्फ फिजिकली ही नहीं मेंटली भी स्ट्रांग बनाएगा। आप भी मुझे बेअकल समझती हो? अरे बिल्कुल नहीं, आप तो बहुत स्मार्ट हो। मैं स्मार्ट लगता हूँ आपको? जी, और अगर आप ये हेल्दी फूड खाओगे तो आपकी स्मार्टनेस और बढ़ जाएगी। चलो फिनिश करो। तुम जाओ चाय बनाओ, मैं खाना खिलाता हूँ, जाओ। इतना करंट लगा तेरे दिमाग में, इतने झटके लगे फिर भी दिमाग ठिकाने नहीं आया तेरा। पता नहीं किस मिट्टी का बना है। फिनिश करे सर। तुम्हारी जूबी की खून की एक एक बूंद का कर्ज है तुम पे। कासिफ को छोड़कर कन्नी काट ली मुझसे। देखा तुमने मैंने क्या लिखा है, मेरी मौत का जिम्मेदार तुम और तुम्हारा भाई कासिफ होगा, और अगर अगर अब तुम नहीं आए ना मेरे पास तो मैं अपनी जान दे दूंगी, समझे तुम? जान दे दूंगी मैं अपनी। रोशन जी आपके चाय। अरे अरे क्या हुआ? करंट लगने वाला है। करंट लगने वाला है? तो फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है, जो बुलेट्स हमें लड़की की डेड बॉडी से मिले थे वो इन्हीं छल्लों के जो हमें क्राइम सीन से मिले थे। खबरियों को काम पर लगा दो और इलीगल आर्म सप्लायर्स की डिटेल निकालो जो इस तरह की 9mm कंट्री मेड पिस्टल बेचते हैं, उस समय लड़की के रेपिस्ट और किलर्स की कोई लीड मिल सकती है। हाँ बोलो।
सर उस लड़की के मोबाइल के IMI नंबर से पता चला है कि वो फोन विभा नाम की लड़की का था और सर विभा मेरठ की रहने वाली थी। सर 16 अक्टूबर की रात को उसके पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाई थी दौलतपुरा थाने में। लाश के पास से हमें कपड़े मिले, क्या विभा के हैं? विभा की लाश हमें यहाँ शामली के इलाके में मिली और आप लोग रहते हैं मेरठ में। 16 अक्टूबर की रात जब वो मिसिंग हुई तो क्या वो यहाँ शामली आने वाली थी? सर उस रात को वो अपने ऑफिस से सीधा घर ही आने वाली थी, उसका ऑफिस भी मेरठ में ही है। मेरठ पुलिस से हमें पता चला कि विभा अपने ऑफिस से शाम को 7 बजे निकल गई थी। तो यहाँ शामली इलाके में आपका या विभा का कोई जानने वाला रहता है? नहीं सर। विभा का कोई बॉयफ्रेंड? नहीं सर, अगर ऐसा होता तो वो हमसे छिपाती नहीं। आप लोगों को किसी पर शक है? सर सच बताएं तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया? अब पता लग रहा है कि तुम्हें मेरे खून की भी परवाह है और अपने भाई की भी। जुबी, देखो मैं मानता हूँ कि मेरे भाई की वजह से हम एक नहीं हो पाए, लेकिन हम पहले की तरह दिल्ली में रहकर भी मिल सकते हैं ना? इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? जाना पड़ेगा। मैं स्मार्ट हूँ और आप सुपर स्मार्ट, आप मुझे बहुत प्यारी लगती है। कासिफ आप भी बहुत प्यारे हो। आपके दांत बड़े सुंदर हैं और थोड़ा स्माइल दो ना। आपकी आईज, आपके लिप्स। कासिफ, अच्छा कासिफ उस दिन आप क्या कह रहे थे वो करंट लगने वाला है? वो तो सीक्रेट है। दिल्ली का प्रदूषण आपको फिर से मेरठ खींच लाया? मैं तो हमेशा के लिए मेरठ में बसना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जो ये एजेंट है विभा, वो मेरा घर बसा ही नहीं पाया। खैर ये बताओ कोई और है? और मतलब घर या घर दिखाने वाली? एक मिनट मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ, इमरजेंसी है। शामली? सर विभा शामली क्यों गई मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। उस दिन जब वो ऑफिस से गई थी तो उसने मुझे ऐसी कोई बात बताई भी नहीं थी। सर कल मैं डायरेक्टली साइट पे आ जाऊंगी, वो मोदी नगर प्रोजेक्ट का फ्लैट दिखाना है क्लाइंट को। हाँ लेकिन क्लाइंट को हाथ से जाने मत देना, फंसा लेना। जा जा। ओके सर। वो करीब 7:15 बजे ऑफिस से निकली थी, तो मुझे लगा था कि वो घर गई होगी। हमें पता चला है कि शामली में भी तुम्हारे कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट है। हाँ है, लेकिन विभा शामली का एरिया नहीं देखती थी, वो तो मेरठ और मोदी नगर ही देखती थी। देखना फिर, विभा का सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ है बल्कि गैंग रेप भी हुआ है। अगर तू कुछ भी झूठ बोल रहा है ना तो अभी। सर हमारा धंधा एजेंट्स के भरोसे ही चलता है और विभा मेरी बेस्ट एजेंट थी, मैंने भी एक एफिशिएंट एजेंट खोई है सर, और आप मुझ पर ही शक कर रहे हैं। ये नादिर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसके बारे में सब कुछ पता करो और विभा के कलीग से भी मिलो, शायद उनसे कुछ मिल जाए। सर अरे 1 महीना के ऊपर हो गया, हम तुमको देखे तक भी नहीं है और तुम हमारा फोन काट दे रही हो। तब्रेज मैंने कहा ना मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। तो ठीक है ना एक बार मिल लेते हैं यार। नहीं तुम सब कासिफ ऐसे किसी के कमरे में नहीं झांका करते। कासिफ क्या कर रहे हो? कासिफ क्या कर रहे हो तुम? कासिफ क्या कर रहे हो तुम? कासिफ छोड़ो मुझे, छोड़ो कासिफ। सब वो लड़का जिसकी लाश विभा की लाश के पास मिली थी उसकी पहचान पता करने के लिए मैंने यूपी दिल्ली की काफी मिसिंग कंप्लेंट्स स्कैन की, लेकिन उसकी पहचान का कोई क्लू नहीं मिला। हाँ मनीष बोलो। सर विभा के कुछ कलीग से पता चला है कि विभा का तकरीबन 7-7.5 लाख रुपए बकाया था नादिर पे, और नादिर उसे पिछले 3 महीने से टाल रहा था।
विभा का इतना सारा बकाया था नादिर पर, तो इसके बारे में विभा के पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए। विभा दीदी ने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन एक डेढ़ महीने पहले। मोबाइल बंद कर और पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरे आइलैंड जाने के लिए पैसों का बंदोबस्त कर दिया मैंने। विभा दीदी ने कभी ये तो नहीं कहा कि उन्होंने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया, लेकिन वो श्योर थी कि मुझे आयरलैंड भेजने के लिए पैसों को लेकर प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने नादिर को लेकर कभी कुछ नहीं? सर, नादिर सर के बारे में कुछ नहीं कहा। आरजू बेटा, कासिफ में अक्कल नहीं, उसके तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। बेटा हिम्मत रख, मैं रोशन को वापस बुलाता हूँ। अरे पापा, अरे ये लड़का फोन क्यों नहीं उठा रहा? रोशन का फोन है। सर मैंने कुछ नहीं किया। सर मालूम किया हमने, गन है ना तेरे पास, जिसे लेकर तू अपने भतीजे की शादी में नाच रहा था। इसी गन की नोक पर तूने विभा का रेप किया है ना, अब ये बोल और कौन कौन थे तेरे साथ? सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, ये माना कि मुझे विभा को 7 लाख रुपए देने थे, लेकिन सिर्फ 7 लाख रुपए के लिए तो तू ऐसा करेगा नहीं। अब ये बोल, विभा के साथ तेरी क्या दुश्मनी थी जितनी ज़्यादती की तूने उसके साथ? सर विभा के लिए मैंने कभी भी गंदी नजर नहीं रखी सर, और ये जो गन है इसके लिए मेरे पास लाइसेंस है सर। सर वो गन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए ली थी, और विभा के साथ मैंने कुछ भी नहीं किया था सर। लेकिन सर एक आदमी ऐसा है जो ये कर सकता है सर। अच्छा कौन है वो आदमी? सर मेरा क्लाइंट है पुष्कर, बहुत ही अजीब टाइप का इंसान है। विभा के मर्डर के करीब 1 महीने पहले विभा ने उसको बार बार लगातार कई घर दिखाए। There's no place like home. और जैसा घर आपको चाहिए, ये घर बिल्कुल वैसा ही है पुष्कर जी। अब पुष्कर जी सॉरी, प्लीज नो फोटोज, एक्चुअली हमारी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। ओके फाइन, वैसे मुझे प्रॉपर्टी पसंद है। ओह नाइस, वैसे थैंक गॉड आपको कुछ तो पसंद आया। विभा मैं हर चीज बहुत सोच समझ के पसंद करता हूँ, और एक बार कोई चीज मुझे पसंद आ गई तो मैं उसे अपने हाथ से नहीं जाने देता, फिर चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। अब तो खुश हो ना तुम? अब तो परेशान नहीं करोगी मुझे? नादिर की पिस्टल लाइसेंस है, उसकी पिस्टल से विभा का मर्डर नहीं हुआ। विभा का मर्डर करने के लिए 0.9 mm की पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, जबकि नादिर की पिस्टल 0.8 mm की है। नादिर अपनी लाइसेंस पिस्टल का इस्तेमाल तो करता नहीं, और नादिर जैसे आदमी के लिए किसी दूसरी पिस्टल का इंतजाम करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन सर वो जिस पुष्कर का नाम ले रहे हैं उसका नंबर विभा के कॉल रिकॉर्ड्स में है। पुष्कर के अलावा और भी कई क्लाइंट्स के नंबर हैं विभा के कॉल रिकॉर्ड्स में। इस पुष्कर को लेकर और विभा के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद सभी नंबर को अच्छे से स्कैन करो। राइट सर। सिंह सर, ये गाड़ी किसके नाम रजिस्टर्ड है पता करो, और आसपास लोगों से पूछताछ करो, शायद किसी ने किलर को देखा होगा। सर 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 मैं क्यों मारूंगा विभा को, मैं तो पसंद करता था सर उसे। पसंद करता था? हाँ सर, सर मैं करीब 1 महीने से मिल रहा था उसे, और पहली बार देखते ही सर
मुझे उससे प्यार हो गया था। और सर मैं अपनी फीलिंग्स अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहता था, इसलिए थैंक यू सो मच। फाइनली आपको कुछ तो पसंद आया। विभा मैं हर चीज बहुत सोच समझ के पसंद करता हूँ, और एक बार कोई चीज मुझे पसंद आ गई तो मैं उसे अपने हाथ से नहीं जाने देता, फिर चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। ये सब बोल के आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं विभा, देखो कोई भी घर घर तब कहलाता है जब उसमें लोग रहते हों, और मैं तो सिंगल हूँ, इसलिए मैं एक घर के साथ साथ एक लाइफ पार्टनर भी ढूंढ रहा हूँ। देखो मैं बहुत अच्छा कमा लेता हूँ, ना मैं सिगरेट पीता हूँ ना शराब पीता हूँ, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है और मेरा किसी के साथ डिस्प्यूट भी नहीं है। देखो पुष्कर जी प्लीज प्लीज आप मेरी बात समझिए, मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ। एंगेज्ड मतलब विभा ने तेरे से कहा था कि उसकी शादी होने वाली है? हाँ सर, उसने मुझे यही बोला था। लेकिन उसके पेरेंट्स ने तो हम जैसी कोई बात नहीं बताई। क्या? रोशन रोशन मेरा बेटा रोशन। सर रोशन एक हफ्ते से अपने कारोबार के सिलसिले में जयपुर गया हुआ था सर, वो आज ही दिल्ली लौटने वाला था। अच्छा सलामत जी, आप बता सकते हैं कि रोशन की किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, रोशन की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी सर। नहीं सर, वो लड़का जरूर झूठ बोल रहा है, विवाह कभी इंगेज थी ही नहीं। देखिए शंकर जी, हम पुष्कर की बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, पर ये भी तो हो सकता है कि विवाह की जिंदगी में वाकई में कोई लड़का हो जिसे वो पसंद करती है, प्रेजेंट में ना सही पास्ट में सही। सर विवाह का कोई अफेयर नहीं था, लेकिन हाँ 4 महीने पहले हमने उसकी एंगेजमेंट करवाई, पर वो रिश्ता भी टूट गया। किससे करवाई थी आप लोगों ने एंगेजमेंट उसकी? आलोक सचदेवा NRI है सर, हमारे पड़ोसी जस्सी की जान पहचान का लड़का था। शंकर जी कहने के लिए आयरलैंड से हैं, लेकिन को शादी इंडियन लड़की से करनी है, एकदम स्वदेशी विचार है, अभी तक भारतीय संस्कार बसे हुए हैं। आप मुझसे उम्र में इतने बड़े हैं, फिर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मेरी पहले भी शादी हुई थी लेकिन चल नहीं पाई, हमारा डिवोर्स हो गया था। और सर विभा भी इस शादी के लिए तैयार हो गई थी, हमने तो शादी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। विभा, अरे ओ विभा, देख तो ये कैसा लग रहा है, क्या बात है, ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है तेरा? अरे दीदी आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं भी तो आयरलैंड रहूंगा ना, आप बोल रहे होंगे वहाँ। हाँ शुतोष, पर हम दोनों आयरलैंड चले जाएंगे तो मम्मी पापा यहाँ अकेले पड़ जाएंगे ना। नहीं बेटा, जब हमारा मन ही लगेगा ना तो हम आ जाया करेंगे तुझसे मिलने। पर पाप, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों बेटा, क्या हो? मैं आपको और मम्मी को छोड़ के इंडिया के बाहर नहीं जाना चाहती। सर अपने चाहता कि वो अपना फैसला बदल ले, लेकिन हमसे फोर्स नहीं करना चाहते थे इसलिए रिश्ता तोड़। ठीक, आप लोग हमें इस आलोक और उसकी फैमिली की डिटेल दीजिए। आलोक सचदेव की भूमिका पता करने के साथ साथ विभा के कॉल रिकॉर्ड्स में मौजूद हर नंबर को खंगाला जा रहा था। कई इलीगल आर्म डीलर्स, सेक्स ऑफेंडर्स और हिस्ट्री शीटर्स को राउंड अप किया जा रहा था। वहीं विभा के साथ मिली लाश की पहचान का कोई क्लू नहीं था और उसे अज्ञात लाश मानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। तबरेज, मैंने तुम्हें कहा ना मुझे फोन मत करो, अभी रोशन का मर्डर हुआ, अगर किसी ने मुझे तुमसे बात करते हुए देख। किससे बात कर रही थी? हेलो हेलो तबरेज, ये तबरेज कौन है? कहीं इसके लिए तुम दोनों ने मेरे बेटे को तो नहीं मरवा दिया ना? बस कीजिए आप, मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाइए, वरना मैं भी सबको बता दूंगी कि आपके छोटे बेटे ने मेरे साथ क्या किया है। ये बोलकर तुम अपना गुनाह नहीं छुपा सकते हो तुम? सर मैं कुछ नहीं छुपा रहा, रोशन जयपुर का ही बोल के गया था, लेकिन मर्डर से एक हफ्ते पहले तक रोशन का फोन हिमाचल के किन्नौर में एक्टिव था। वैसे ये जुबीना शेख कौन है?
जुबीना? हाँ जुबीना, रोशन अक्सर इसको कॉल किया करता था। इनफैक्ट जुबीना का फोन रोशन के साथ किन्नौर में ही एक्टिव था। दोनों का अफेयर था क्या, जो एक हफ्ते तक दोनों साथ में थे? सर, जुबीना उसके साथ में कॉलेज में पढ़ती थी, मुझे नहीं मालूम वो दोनों साथ में थे। एक मिनट। हेलो सर, जुबीना के घर पे ताला लगा हुआ। सर, आलोक सचदेवा के बारे में बता दिया जिससे विवाह की शादी होने वाली। आलोक और उसकी फैमिली तो पिछले दो महीने से आयरलैंड में ही है। सर, क्या ये लोग वाकई में विवाह के रेप और मर्डर में शामिल होंगे? एक बात अटपटी लग रही, विवाह ने अपनी मर्जी से रिश्ता किया था और खुद ही तोड़ दिया। क्या वजह हो सकती है इसकी? मेरठ की रहने वाली विवाह का मर्डर होता है मेरठ से कुछ 60-70 किलोमीटर दूर शामली इलाके में। मर्डर वाली रात को विवाह शामली इलाके में क्यों गई? सर, विवाह का अफेयर हो इस एंगल में तो कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि रेपिस्ट विवाह और उसकी फैमिली से कनेक्टेड ना हो, ये कोई रैंडम सेक्स ऑफेंडर्स हो जिन्होंने विवाह को किडनैप किया, उसका रेप किया और मार के फेंक दिया। एक हफ्ते से रोशन उस जुबीना के साथ और आप मुझ पर शक कर रहे थे, और ये कासिफ, ये भी उसे मिट्टी का है जैसा रोशन। आप सबने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। छोड़ूंगी नहीं मैं आप लोगों को, देख लूंगी सबको। निकल लो इस घर में और यहाँ पर देखो। कहाँ भाग रही हो आरजू? कवरेज तो हमारे पास, लॉकअप। सर मैं सर, हम मानते हैं कि आरजू के साथ हमारा अफेयर था शादी से पहले, लेकिन हम उसके पति को नहीं मारे सर, हम सच कह रहे हैं। सर, तबरेज मेरा बॉयफ्रेंड था, लेकिन मैं उसे भूलकर अपने शौहर रोशन के साथ जिंदगी बसर करना चाहती थी। मैं रोशन को नहीं, रोशन मुझे धोखा दे रहा था। और इसीलिए तुमने और तबरेज ने मिलकर रोशन को मरवा दिया, और जुबीना को भी उन्हीं किलर्स ने गायब किया था ना? सर, मेरा इस सब में कोई हाथ नहीं है, मेरे साथ तो उल्टा इतना गलत हुआ। रोशन का छोटा भाई कासिफ, सर उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की, और अब आप मेरे ही ऊपर रोशन के मर्डर का शक जता रहे हैं। और सर, हमको तो पक्का यकीन है कि इसमें आरजू का भी हाथ नहीं हो सकता है, ये कोई और ही है जो बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। पापा, नादिर सर ने मुझे उनके ऑफिस बुलाया था, उन्होंने विभा दीदी के 7 लाख रुपए दे दिए। दीदी हमेशा चाहती थी कि मैं आयरलैंड जाके पढ़ाई करूं। तो तू इन पैसों से आयरलैंड जाना चाहता है क्या? नहीं नहीं, वो मैं आयरलैंड चला गया तो आप दोनों अकेले हो जाओगे। पर हिचकिचा मत बेटा, विभा का सपना था कि तू आयरलैंड जाके पढ़ाए, इसलिए मैं ये सब कुछ पूछ रहा था। मैं भी यही सोच रहा था कि विभा दीदी का सपना पूरा करना चाहिए। सर, दिल्ली के देव की नगर इलाके में रोशन नाम के एक लड़के का मर्डर हुआ था। इंपॉर्टेंट बात यह है कि रोशन के मर्डर में भी विभा के मर्डर की तरह 0.9 mm पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। देवकी नगर पुलिस से डिटेल शेयर की तो पता चला कि इन दोनों मर्डर्स में एक ही पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। रोशन का मर्डर करने वाला विभा के गैंग रेप से भी कनेक्टेड होगा। देखिए सर, रोशन मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट है जुबीना। और एक बात सर, रोशन के भाई कासिफ के बारे में पता चला है, किसने अपनी भाभी का रेप करने की कोशिश की थी। रेप करने की कोशिश की? जी हाँ सर, देवकी नगर पुलिस को स्टेटमेंट दिया इसने कि जुबीना ने इसको किडनैप करके रखा था। और देवकी नगर पुलिस को इस बात का भी शक है कि मर्डर के वक्त जुबीना भी रोशन के साथ मौजूद थी, और सर मर्डर वाले दिन से ही जुबीना अंडरग्राउंड है। रोशन और विवाह का मर्डर एक ही पिस्टल से किया गया, और रोशन के मर्डर केस में सस्पेक्ट है जुबीना, तो क्या विवाह का गैंग रेप करने वाले भी जुबीना से कनेक्टेड होंगे? जुबीना और जुबी का कनेक्शन अब विभा मर्डर केस से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन विभा और जुबीना का कोई कनेक्शन पुलिस को नहीं मिल रहा था। दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपी की शामली पुलिस भी अब जुबीना की तलाश में जुट गई थी, और आखिरकार जुबीना को दिल्ली में उसके रिलेटिव्स के घर से अरेस्ट कर लिया गया। विभा, सर मैं किसी विभा को नहीं जानती, और मैं उसका रेप क्यों करवाऊंगी? विभा को उसी गन से शूट किया गया है जिस गन से रोशन को मारा गया। तुम रोशन के मर्डर में भी इन्वॉल्व थी, और विभा को भी तुम्हीं ने मरवाया। सर, मैंने रोशन को नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ। रोशन के भाई ने स्टेटमेंट दिया है हमें कि तुमने उसे किडनैप किया था, उसे किडनैप करके तुम रोशन को ब्लैकमेल कर रही। तो आप उस सरफिरे लड़के की स्टेटमेंट पर भरोसा कर लेंगे? ऐसे नहीं मुखलेगी, मुखलवा। सर मेरी बात तो सुनिए सर, सर उस बेहक के लड़के ने खुद मेरी जिंदगी खराब कर दी। ऐसा किया क्या था उसने जो ऐसा बोल रही हो? सर, मैं रोशन से बहुत प्यार करती थी, और हमारे घर एक दूसरे का आना जाना लगा रहता था।
एक दिन रोशन और उसके फादर कासिफ को मेरे घर छोड़कर कहीं बाहर चले गए थे और कासिफ ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। हम दोनों मिलकर चॉकलेट खाएंगे ना। अरे कासिफ छोड़ो मुझे, कासिफ क्या कर रहे हो? अरे प्लीज हेल्प, छोड़ो मुझे कासिफ। कासिफ रोशन मेरे साथ ही इसका। अरे कासिफ चुप, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा था ये? पुलिस को सब कुछ बताऊंगी जाकर। नहीं नहीं बेटा, रोशन और उसके फादर ने मुझे पुलिस स्टेशन आने के लिए रोका। रोशन हमेशा कहता था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसके फादर ने उसकी शादी उस आरजू से करवा दी। मैं सच कह रही हूँ सर, मैं रोशन को सिर्फ पाना चाहती थी। मैंने पानी से तो मरवा दिया उसको। मैंने उसे नहीं मारा सर, उसे तो उस एसयूवी वाले लड़कों ने मारा है। कहानी बनाना बंद करो, सीधे सीधे बोलो क्यों मरवाया रोशन को? मैंने बोला ना सर, मैंने उसे नहीं मरवाया। और अगर आपको लगता है कि मैंने रोशन को मरवाया तो आप मुझे प्रूफ करके दिखाइए। कुछ किया होगा तो प्रूफ भी हो जाएगा। एसयूवी का नंबर बोलो। मुझे नहीं पता कुछ भी सर, लेकिन हाँ वो एसयूवी सफेद कलर की थी। रूबी की स्टेटमेंट के बेसिस पर पुलिस ने रोशन की हत्या वाले दिन की ऐसी कई सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जहां से पुलिस को उस एसयूवी की लीड मिल सकती थी। वहीं जुबीना की मदद से उन लड़कों के स्केचेस बनवाए गए जिन्होंने रोशन पर गोली चलाई थी। आखिरकार पुलिस की कोशिश रंग लाई और उस एसयूवी का नंबर पता कर लिया गया और उस एसयूवी के मालिक नामदेव सोलंकी समेत उसके आपराधिक साथी उसके तीनों दोस्तों को भी हिरासत में लिया गया। हमारी कोई दुश्मनी ना थी उस लड़के से साहब, वो तो साला साइड ना देने था, इसलिए मेरा माथा टनक गया, उड़ा दिया। गाड़ी का लगा दिया आपने? साले, मन ने रोक दिखाएगा। तो विभा का गैंगरेप तुम लोगों ने किया है? कौन विभा? ना साहब, हमने कोई गैंगरेप नहीं किया। अब विभा का मर्डर तुम लोगों की गन से क्या गया है? तो साहब गन तो हमने किराए पे ली थी अपने दोस्त से। किस लिए ली थी? साहब वो एक को डराने के लिए ली थी। गन किस दोस्त से ली थी? सर मैं बताता हूँ सर सर मैं गन किराए पर देता हूँ सर, उन तीनों लोगों को गन मैंने ही दी थी सर, और जिस गन से विभाग का मर्डर हुआ वो गन मेरी थी सर, लेकिन सर मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने उसको नहीं मारा सर। तो फिर किसने मारा? किसको दी थी तूने अपनी गन और कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें? बोल! इतना बड़ा गेम खेला तुमने, हाँ? अब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्सी ने बता दिया सब कुछ। 5 साल पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे से, पड़ोसी के नाते विवाह मेरे घर पे आया जाया करती थी, बच्चों के साथ उसका लगाव था, बच्चों के साथ साथ वो मुझे भी पसंद करने लगी सर। लेकिन तेरा अफेयर उसकी माँ के साथ चल रहा था। विभा के पापा काम के सिलसिले में गाजियाबाद में रहते थे, हफ्ते के 5 दिन वो वहीं रहते थे, उसी दौरान मैं और जस्सी। तुम्हें पहले से पता था ना कि जस्सी विभा के साथ भी? हाँ, जस्सी ने बताया था, उसने बताया था कि विभा उसे चाहने लगी है और वो उसे शादी भी करना चाहती है। मैंने विभा को किसी तरह समझा कि शादी के लिए मना किया और तरुणा के कहने पर मैंने विवाह के लिए रिश्ता खोजा। खुद से दूर करने के लिए आपने मेरी शादी फिक्स कराई है ना? विवाह, अब इन बातों कोई मतलब नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, तुम अच्छे से जानती हो, तुम मुझसे कैसे शादी कर सकती हो? तो क्या हुआ, आलोक भी तो शादीशुदा है, जब आप उससे मेरी शादी फिक्स करा सकते हो तो खुद भी तो कर सकते हो ना। सर वो लड़की हो गई थी, उसने मेरे लिए शादी का रिश्ता तोड़ दी, उसको पता नहीं था कि मेरा उसकी माँ के साथ। लेकिन सर एक दिन उसने हम दोनों को देख लिया था सर। मम्मी दिन ब दिन विवाह के तेवर बदलते जा रहे थे, वो अपने पापा को कभी भी सब कुछ बता सकती थी, इसीलिए शंकर जी के मन में
मैंने उसके खिलाफ जहर घोलना शुरू कर दिया। शंकर जी 12 बजने वाले हैं और विभा अभी तक घर नहीं आई है। मुझे टेंशन हो रही थी इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। और एक बात मैंने आपको बताई नहीं है, आजकल आए दिन उसको अलग अलग लड़के घर छोड़ने आते हैं और कुछ पूछो तो उल्टा जवाब देती है। बाय पापा। शंकर जी, शंकर जी देखिए मुझे विभा के रूम से क्या मिला, ये देखिए। और ये पहली बार नहीं मिला है मुझे, ये दूसरी बार मिल रहा है। दो बार प्रेग्नेंट होके अबॉर्शन करा चुकी है लड़की। मैं अभी बात करता हूँ उससे। नहीं नहीं सुनिए, इन सब मामलों में आपका लड़की से बात करना ठीक नहीं है, मैं समझाती हूँ उसे। इतना सब बताकर भी मैं उन्हें विभा से बात करने से रोकती रही और फिर अपनी बेटी विभा को रास्ते से हटा दिया। विभा को रास्ते से हटाने के लिए मैंने विभा को श्यामली बुलाया। बोलो क्यों बुलाया? और जिन लड़कों ने उसको उठाया और रेप किया था ना, वो लड़के मैंने ही सेट किए थे सर, और उसके बाद मैं मेरठ चला गया। क्या हुआ, इतनी रातों क्यों बुलाया मुझे? अरे क्या बताऊं, पानी सर से ऊपर चला गया है। ये लड़की 4-5 लड़कों के साथ श्यामली में पार्टी करने चली गई है। अरे तो रोका क्यों नहीं तुमने उसे? अरे रोका, लेकिन सुनती कहाँ है वो मेरी। प्लीज आप जाइए ना, उसको लेकर आइए, इतनी रात को पता नहीं क्या कर रही है वो। तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। सुनिए, मैंने ना वो जैसे जिसको बुला लिया है उनके पास बाइक है, तो उनके बाइक में बैठ के आप चले जाइए जल्दी। आइए आगे। चलिए शंकर जी, बाइक ले आओ, आइए जल्दी। तेजस्वी, ये गन? ये गन उन लड़कों को डराने के लिए। अब बैठ बैठ बैठ, चल चल जल्दी चल। और रास्ते में प्लान के मुताबिक मुझे तरुणा का फोन आया। मैंने ऐसे जताया शंकर को कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि विवाह जंगल में गई लड़कों के साथ। उसके बाद मैं शंकर के साथ जंगल में गया, तो जैसे ही विवाह को शंकर ने देखा तो वो समझ गया था उसका साथ उसका रेप हुआ है। चुप, एकदम चुप। मेरे प्यार, मेरे परवरिश का ये सिला दिया तूने? बाबा, चुप, एक शब्द मत निकाल अपनी जबान से। तूने ही शादी होगी इनको। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तेरे जैसी बेटी। बाबा, उसने मुझसे पिस्तौल छीन के सीधे उसकी गोली मार दी। मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरी बीवी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही है। तुमने अपनी बीवी पर आंख मूंद के भरोसा कर लिया, पर कम से कम एक बार अपनी बेटी से तो बात करते, उसकी तो सुनते। यही तो गलती हो गई साहब, उस रात भी मेरी बेटी मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। और विभा की हत्या के आरोप में उसके पिता, उसकी मां जस्सी और उसके साथियों पर विभा से बलात्कार और हत्या के जुर्म में उन्हें हिरासत में लिया गया है। वहीं विभा की लाश के साथ मिली लाश की पहचान अभी तक अज्ञात ही बनी हुई है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय।